देश के ख्यातनाम संत और तेरापंथ समाज के धर्मगुरु श्री आचार्य महाश्रवण महाराज चार दिन के महाराष्ट्र प्रवास पर हैं। अखा तीज के मौके पर शुक्रवार को आचार्य श्री का बड़ा कार्यक्रम भी आयोजित होने जा रहा है, जहां देश विदेश से अनुयायी उनके दर्शन करने और आशीर्वाद लेने पहुंच रहे हैं। इससे पहले गुरुवार को संभाजी नगर के प्रेसिडेंट हाउस में हजारों अनुयायियों ने उनका आशीर्वाद लिया। एवन टीवी के सलाहकार के राठी ने भी उनके दर्शन किए और आशीर्वचन लिए। इस मौके पर आचार्य श्री ने एवन टीवी के लिए भी आशीर्वचन दिए। आपको बता दें कि आचार्य श्री के ना सिर्फ केवल देश बल्कि दुनिया भर में भी बड़ी संख्या में अनुयायी हैं। जो भी दोस्त सब साहब आशीर्वाद ही दे दीजिए, सारी जनता को बहुत खुश हो जाएगी टीवी के जरिए। बस मेरी इच्छा है, बस तीन बातें बताया करते हैं, सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति। सद्भावना, विभिन्न जातियां हैं, विभिन्न संप्रदाय हैं, विभिन्न भाषाएं हैं, विभिन्न राजनीतिक दल हैं, इस विभिन्नता के होने पर भी जनता में आपस में सद्भावना रहे, यानी लड़ाई झगड़ा हिंसा दंगा फसाद ये चीजें जाति आदि को लेकर नहीं होनी चाहिए, सबके साथ मैत्री भाव रखने का प्रयास करें। दूसरी चीज है नैतिकता, कि जो भी कार्य करें, बिजनेस करें, उद्योग धंधा लेन देन करें, उसमें ज्यादा से ज्यादा ईमानदारी रखने का प्रयास। तीसरी बात है नशा मुक्ति, शराब बीड़ी सिगरेट खैनी गुटखा आदि नशीले पदार्थों के सेवन से बचें। तो ये सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति, इन तीन चीजों को जीवन में अपनाने से आदमी का जीवन अच्छा बन सकता है, चेतना अच्छी बन सकती है, समाज स्वस्थ रह सकता है, राष्ट्र अच्छा रह सकता है। तो इतना हो सके सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति, इनको गृहस्थ लोग अपने जीवन में अपनाएं।